चुके हैं प्रकाश दीवान सर जुड़ते हुए। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर। कई सारी पॉकेट है जिसपे आपसे चर्चा करनी थी। सबसे पहले आप जब से वो खबर आई मारुति की मैंने टीज कर रखा था दीवान साहब जुड़ने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट जो आया है सुजुकी का कि फाइनली जागे हैं और 10-10.5 हजार करोड़ रुपए का ईवी स्पेस में एक इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी। स्टॉक बढ़िया मूव दिखा रहा है। कैसे आप देख रहे हो मारुति का स्टॉक कैसे पोजिशनड है? टाटा मोटर्स जैसे पियर सेट्स तो बहुत अच्छी पकड़ ऑलरेडी स्पेस में बना चुके हैं, नाम हो गया है, गाड़ियां रोड पे दिखने लगी हैं, मारुति लेट तो नहीं हो गया? और मारुति के स्टॉक पे कॉल क्या है? तो आशीष देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो जर्नी है वो मैराथन है, तो अगर किसी ने पहले शुरुआत कर ली और पहले दूसरा खिलाड़ी थोड़ा पीछे रह गया तो उससे फाइनली जीत किसको हासिल होगी ये कहना अभी से थोड़ा सा मुश्किल है। और इट इज अनफेयर टू से कि मारुति लेट हो गया, क्योंकि मारुति की स्ट्रैटेजी आप देखिए जो अनाउंसमेंट भी आया है वो बैटरी साइड में उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। तो जब तक आप बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप बना तो देंगे, बिक भी जाएगा, लेकिन उसका चलन ज्यादा हो नहीं पाएगा, कन्विक्शन नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से आप आज देखें तो जिसने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, और मैं मेरे नेटवर्क में सर्कल में मैं जिनसे बात करता हूँ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेकेंड व्हीकल की तरह लिया है, वो ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी व्हीकल है। तो उस पर अभी भी इतनी रिलायंस, इतनी हाई डिपेंडेंस हमारी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि जो 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 सारा बैटरी का जो साइकिल होता है, जो सिस्टम होता है चार्जिंग का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत पड़ती है, वो सब में अभी भी काफी गैप्स हैं। तो जैसे जैसे वो गैप्स फिल होंगे, और मारुति ने कहा है 2024 के करीब शायद एक क्रेटा के कंपेटिटिव सेगमेंट में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर पाएंगे, विच इज जस्ट 2 ईयर्स अवे, तो ऐसी भी बात नहीं। और जैसे ही उनका लॉन्च होगा वो आप देखिए उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो गजब की रह सकती है। और उनका फोकस टोयोटा के साथ जो उनका उनकी साझेदारी अलग एक लेवल पे जो है उसमें हाइब्रिड्स पे मेरे ख्याल से वो फोकस ज्यादा कर पाएंगे, और वो टेक्नोलॉजी आपको डिपेंडेबल ज्यादा रहेगी। सो आई थिंक वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मारुति जब शुरू करेगा तब कामकाज तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, सो इसमें बहुत मायूसी की बात नहीं है। आई थिंक ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, और गुजरात के प्लांट पे फोकस करने की वजह से प्रोग्रेसिवली आप देखेंगे वहां नया प्लांट है, अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी का बेहतर रह सकता है एज कम्पेयर टू मानेसर, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका रहेगा जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आती है। मारुति के लिए बढ़िया खबर लॉन्ग। अच्छा बात करते करते मारुति का स्टॉक दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब, ये तो 5.5% का अपटिक आ गया। पसंद आ रही है आपकी कमेंट्री तो भाई लोगों को, पर मेरे स्क्रीन में नहीं दिख रहा, आपकी स्क्रीन पे क्यों दिख रहा है डॉक्टर साहब? 2.5% ही है। हाँ 2.5% का अपटिक आ रहा है, वो उसमें कुछ गड़बड़ाया था, छोड़ दीजिए उसको। मारुति 2.5-3% का उछाल। लेकिन दीवान साहब मारुति के लिए खबर अच्छी, स्टॉक पर पॉजिटिव रिएक्शन, आपका टारगेट क्या और आपका सबसे प्रेफर्ड ऑटो प्ले क्या है? यही मारुति है क्या? नहीं, वही मैंने पिछली बार भी बात की थी, मारुति का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ का जो जो पहल इन्होंने जो अनाउंस किए इसको अगर आप छोड़ दें तो जो मार्केट में जैसे ही सेमीकंडक्टर्स को लेके जो एक एक सप्लाई का जो इश्यू चल रहा है वो सॉर्ट आउट जैसे ही होगा, आशीष आप देखिए ये सारा जो जो रीस्टॉकिंग वाला जो मामला है वो शुरू हो जाएगा। आज डीलरशिप पे गाड़ियां जो नई है खाली पड़ी हुई है, डीलरशिप वेटिंग पीरियड जो है वो सब आपको सेल्स में ट्रांसलेट होते हुए दिखेगा रियलाइजेशन में। हाँ ये चिंता की बात है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो मेटल हो, तो उस लिहाज से थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज की वजह से डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, और जैसे जैसे इंश्योरेंस और पेट्रोल के भी भाव बढ़ रहे हैं उस हिसाब से भी थोड़ी सी डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की बात है। लेकिन डिमांड कॉन्ट्रैक्शन का बाकी जगह इम्पैक्ट ज्यादा होगा, मारुति के जो एंट्री लेवल व्हीकल्स हैं प्रोडक्ट्स हैं वहां पे आपको इतनी आंच आते हुए शायद ना दिखे। तो मेरे हिसाब से मारुति विल डेफिनेटली बी कंटिन्यू टू बी अ टॉपिक, लेकिन उसमें तरावट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपने ले लिया तो कल से कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म बेट यहां से इसके लिए बहुत बढ़िया मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, और री रेटिंग जब होगी अच्छी जो पुराने जो पी मल्टीपल जो आया करते थे एक जमाने में, तो उस लिहाज से देखें तो टारगेट आपको 5 डिजिट में भी आने की कोई इसमें वो नहीं है, शक नहीं है मुझे कि वहां आ सकता है, बट उसको समय लग सकता है। ओके मारुति पे अगर आप देखें, आशीष ने 2 प्रश्न पूछे और बड़ी अच्छी बात प्रकाश सर ने आशीष बोली कि ईवी को लोग अपने दूसरे व्हीकल के तौर पर आप देखें देखते हैं, पता नहीं तंज था या कॉम्प्लीमेंट था ये, खैर हमारे लिए तो तंज ही था ये, ईवी को अपने दूसरे व्हीकल के तौर पर। खैर प्रकाश सर इस बार एक और थीम जो कि बहुत बहुत अगर आप देखें स्क्रीन पर जिसकी मजबूती विजिबल है
और जो आई थिंक इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है पावर, कोल और पूरा का पूरा वाइट गुड सेगमेंट, कंसिडरिंग आई मीन टेम्परेचर, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, सेंट्रल इंडिया में हो, इस वक्त जो टेम्परेचर की वेव है, और आई थिंक आप मार्च लास्ट वीक में अप्रैल मिड का टेम्परेचर फील कर रहे हैं। आपने लास्ट टाइम भी अगर आप देखें टाटा पावर रिकमेंड किया था, सब्सटेंशियल मूव देखे गया था, कोल इंडिया रिकमेंड किया था, सब्सटेंशियल मूव देखे गया था। अब ये तीन बास्केट पे मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ, आई मीन कोल, टाटा पावर, एनटीपीसी प्लस ये वाइट गुड का सेगमेंट, इसमें से क्या बाय कर रहे हैं आप इस वक्त? मेरे आपने जो टेम्परेचर की बात की है तो पावर कंपनीज के कंजम्पशन को छोड़ के अगर मैं फोकस करूं ऑन द वाइट गुड्स या एयर कंडीशनिंग यूनिट इटसेल्फ, आप ये देखिए कि जिस प्रकार की गर्मी का एहसास हम लोग कर रहे हैं और जैसे जैसे ये वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस में शिफ्टिंग जैसे शुरू हो रहा है, तो पहले ये मानना जाता था कि लोग घरों में अपने एसी लगा रहे हैं, घर से ऑपरेट करें। आज आप ये बोल रहे हैं कि वापस ऑफिस जाएंगे तो ऑफिसों में अब वापस से रिफर्बिशमेंट शुरू होगा या रेनोवेशन शुरू होगा या वापस सब ठीक ठाक चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन एयर कंडीशनिंग एज अ पेनिट्रेशन आप देखें तो इतना लो है हमारे यहाँ कि इसमें तो बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो आपके ब्लू स्टार, वोल्टास, इस टाइप की चीजों में आपको डेफिनेटली चाल मिलेगी, लेकिन उनके बिजनेसेस चूंकि यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट यानी सिर्फ एयर कंडीशनिंग को लेके नहीं, काफी अदर बिजनेसेस उसमें इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग साइड पे है सॉल्यूशंस, जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस भी है, तो उस वजह से उसका आंकलन आप पूरी तरह से नहीं कर पाते। बट एयर कंडीशनिंग का जो सारा ये सेगमेंट है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ सकता है। उसके अंदर हैवल्स भी आ जाता है, उसके अंदर आप जैसे मैंने कहा ब्लू स्टार और वोल्टास तो प्रेजेंट ही है, तो कई छोटे छोटे ब्रांड्स बाकी के भी हैं। बट एक क्षेत्र में जो एनर्जी साइड में जो आपने छेड़ा हो जो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है आगे चल के, और खास करके यूक्रेन रशिया के इस युद्ध के बाद, देखिए युद्ध तो समय किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें सुलह आएगी ये उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद जो इनसिक्योरिटी बनेगी उसको देखते हुए हर एक जो इकोनॉमी है या हर एक राष्ट्र है वो अपने आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। और वहां पे मुझे लग रहा है गैस का जो यूटिलिटी है या गैस को आपका जो जो जिस प्रकार का डिपेंडेंस है ग्लोबली वो इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, तो उस लिहाज से आपको एक बहुत बड़ा मूव इसमें रिलायंस में अभी आना बाकी है जो गैस की रीप्राइजिंग की वजह से अभी तक आया नहीं। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन का वर्टिकल है जो रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन वहां लोगों को अभी शायद समझ नहीं आ रहा कि इसे आंकलन कैसे किया जाएगा ईपीएस, तो उसको समय है, एक आठ डेढ़ साल अभी लगेगा उस क्लैरिटी को आते हुए। लेकिन जो गैस का बिजनेस है मेरे को समझ ये आ रहा है कि ये इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है कि आप थोड़े सालों बाद बात करेंगे कि रिलायंस के लिए जो पेटकेम का बिजनेस, रिफाइनिंग का जो बिजनेस है, उतना ही बड़ा बिजनेस गैस का ईएनपी का भी होने वाला है। तो वहां पे एक रीरेटिंग जरूरी है, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ना भूलिए, गैस का जितना ज्यादा चलन उतना ज्यादा पैसा आपको ट्रांसपोर्टेशन इनकम से जो आता है वो गैस अथॉरिटी को आता है, उनके इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं जो पाइपलाइन में, उस सारे ही आपको बहुत बढ़िया रिटर्न रेशियोज दिलाएंगे। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे कोल इंडिया का रीरेटिंग हुआ है, वैसे वहां भी एक बहुत बड़ा रीरेटिंग जो है वो अभी जरूरी। ओके, देखिए एनर्जी स्पेस, गैस स्टॉक्स पे और आई थिंक वाइट गुड सेगमेंट पे अपने अपना प्रकाश डाला। प्रकाश जी एक चार्ट लेके आइएगा निफ्टी फार्मा का, डिस्कशन को इस डिस्कशन को अगर आप देखें समर्पित करेंगे फार्मा पे। फार्मा एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2021 को निफ्टी फार्मा का इंडेक्स खड़ा था 14,836 पे। प्रकाश जी आप ही के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा डाउन ट्रेंड में गुजर गया। लगभग 6 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से ये सेक्टर बाहर निकलता हुआ अव्वल दर्जे का इंप्रेस कर देने वाला चार्ट है इस वक्त निफ्टी फार्मा का। मेरे बात करते करते ओरो, ग्लेन, सन, लॉरस, डे हाइपर। प्रकाश सर फार्मा में आपकी इस वक्त चॉइस क्या है बताइए? सडनली सिप्ला, सन फार्मा, बड़े ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स लग रहे हैं। आपकी अप्रोच, आपकी फार्मा की बैंक लिस्ट में क्या है सर? मेरे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने छेड़ी है। ये ऐसा सेक्टर है जो अभी लोगों के रडार पे नहीं है। आज हम पेपर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, शुगर हो गया, इन सब की चर्चा करते ही होगी, खबरें उसमें काफी रहती है, लेकिन फार्मा में कुछ खास खबर नहीं है या स्टॉक स्पेसिफिक खबर रहती है, चाहे वो ओरो को लेके हुई हो या ग्रैन्यूल्स को लेके या डीवीस को लेके। द पॉइंट इज ये क्षेत्र इतना बड़ा है और अभी भी इसकी एलोकेशन अगर आप देखें हिंदुस्तान के इंडिसेस में तो बहुत मात्रा में बहुत कम है, तो इसमें जगह एक तो बहुत है।
जो एफआई के पैसे जब वापस आएंगे, एक तो तब आप देखेंगे कि टॉप क्वालिटी फार्मा बिजनेसेस में जो इंटरेस्ट आएगा वो बहुत गजब का होगा। और यूएस में जो रेगुलेटरी इश्यूज को लेके जो थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुआ था, जो प्राइसिंग को लेके इश्यूज आए थे हमने पिछले 2 साल में देखे, वो भी मेरे हिसाब से अब फेड होते हुए दिख रहे हैं। तो यूएस जेनेरिक्स की जो कंपनी बड़ी है, जहां पे प्रॉफिटेबल बिजनेस आने की उम्मीद है आगे चल के, रेवेन्यू के साथ साथ मार्जिन ग्रोथ भी है, उसमें सन फार्मा ने आपने देखा कैसी चाल चल ली, आपने देखा इस लिहाज से सिप्ला ग्लोबली कितना पॉजिटिव हो गया, कहां 650-600 का भाव हुआ करता था, आज 1000 के ऊपर है, और कोई खास खबर नहीं है उसके बावजूद भी इतनी पॉजिटिविटी है। यही चीज आपको ल्यूपिन में दिखेगी, एक टर्न अराउंड कैंडिडेट है बहुत मजबूत। मेरी टॉप पिक अगर मैं बताऊं तो फार्मा में ल्यूपिन, इसलिए कि जो उन्होंने काम किया है और जो मार खाई थी वो सारी मार खा के झेल के उन्होंने जो प्राइस आज आपको दिख रहा है उसमें सब कुछ प्राइस है, तो यहाँ से जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा वो काफी ड्रामेटिक हो सकता है। तो एक है, बट ओवरऑल ओवरऑल फार्मा में आपको डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज, इस टाइप की जो स्ट्रेंथ वाले बिजनेस है उसी में रहे। मिड कैप फार्मा से थोड़ा सा अभी भी परहेज है क्योंकि वहां पे अप्स एंड डाउन ज्यादा होते हैं, वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन सन फार्मा ने जो करके दिखाया वो आपको ल्यूपिन में दिखेगा, सिप्ला ने जो करके दिखाया वो आपको रेड्डीज में दिखेगा, जो 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 स्पेसिफिक ज्योग्राफीज की जो ताकत है उसका असर आपको दिखेगा। तो ये रेड्डीज है, डिवीज है, ल्यूपिन है, इन सब में अगर आप बास्केट बना के रखें तो आई एम श्योर फार्मा जो अपसाइड आप बता रहे हैं जो आ सकती है इसके अंदर एज अ सेक्टर, उसका आपको पूरा पूरा फायदा मिल सकता है। बढ़िया, तो ये रही फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस पे बड़ी डिटेल में बातचीत और बढ़िया पिक्स आपके लिए। दीवान सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा जाते जाते ये जब से गावा सर ने वीरू का आपने पीवीआर मार्क करा, गावा सर ने कहा कि इस वीकेंड नहीं अगले वीकेंड जरूर जाऊंगा, तो बाजार को लगा कि बहुत तगड़ा ट्रैक्शन आने वाला है टिकट सेल्स में, वो आईनॉक्स भी निकल पड़ा है। माना जरा आईनॉक्स का स्टॉक देख के बताइए।